हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइबर गुरु में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से इंस्टाग्राम में एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो शायद आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ करते करते क्या हो रहा है कि अचानक से इंस्टाग्राम क्लोज हो जा रहा है और यहाँ पर लिखा रहा है इंस्टाग्राम कीप स्टॉपिंग। तो वह दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रहा था तो मैंने इसे ठीक कर लिया है। कैसे ठीक किया अगर आपको भी जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो यार, आज मैं आपको ये बताने वाला कैसे आप इस बग को फिक्स कर सकते हो। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से छोटा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम ये प्रॉब्लम आए दिन आता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टाग्राम अपने जो भी ऐप है उसमें जो नए नए फीचर ऐड करता रहता है, जिस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो इसको ठीक करने का क्या करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। दोस्तों, क्या होता है नॉर्मली कि जब कोई भी ऐप में बग आता है तो उसके अपडेट के बाद ठीक कर लिया जाता है। तो यहाँ सबसे क्या करना, आपको ऐप को अपडेट कर लेना है। तो ऐप अपडेट करने के बाद उसका आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है ऐप्स में, देन जाना आपको मैनेज ऐप्स में और यहाँ से आपको इंस्टाग्राम में चले जाना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लियर डेटा। यहाँ से क्या करना, आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना है और क्लियर कैसे कर देना है, बस इतना काम आपको करना है। दोस्तों, अब आप देखोगे कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो नॉर्मल हो गया और पहली तरह वो आ गया है। यहाँ पर कोई भी बग आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बग को ठीक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ये ट्रिक वर्क किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।